राम मंदिर मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है। करोड़ों राम भक्त दशकों से राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राम भक्तों का इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही प्रभु राम टेंट से उठकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। जी हां, आपने सही सुना, कोर्ट से जो खबर निकल कर आ रही है उससे भगवान राम का वनवास जल्द ही खत्म हो सकता है और इस दिवाली भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो सकता है। मुस्लिम पक्ष की ओर से फिर से मध्यस्थता शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब इस मामले में मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मध्यस्थता की कोशिशों के लिए मामले की सुनवाई नहीं रोका जा सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने एक डेडलाइन तय कर दिया है। CJI रंजन गोगोई ने सभी पक्षों को अल्टीमेटम दे दिया है। CJI ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले की बहस 18 अक्टूबर तक पूरी करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो शनिवार को भी सुनवाई होगी, मतलब 18 अक्टूबर तक राम मंदिर मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ये पहली बार है कि राम मंदिर मामले में लोगों को एक तारीख मालूम हुई है कि 18 अक्टूबर के बाद अब फैसला आना तय है। मतलब साफ है कि CJI रंजन गोगोई अपने रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाने के मूड में है। अब ये माना जा रहा है कि 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला आ सकता है, जिसके बाद मंदिर निर्माण शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।